नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान की किताब करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया। जस्टिस जी एस अहुवालिया की सिंगल बेंच ने किताब की को ऑथर अदिति शाह भीमजानी, अमेजन इंडिया और जगन्नाथ बुक से भी जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। हाई कोर्ट में एडवोकेट क्रिस्टोफर एंथोनी ने 2022 में याचिका दाखिल की थी। पहली सुनवाई अगस्त 2022 में हुई थी। तब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी पार्टी बनाने के लिए कहा था। बाद में मामला कुछ ठंडा पड़ गया। एंथोनी के कोर्ट में मेमोरेंडम लगाने के बाद 10 मई को सुनवाई हुई। याचिका में दलील दी गई कि नाम में बाइबल जोड़ने से ईसाई धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। एंथोनी का कहना है कि बाइबल ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। प्रभु यीशु की शिक्षा का वर्णन इस पवित्र पुस्तक में पाया जाता है। करीना की किताब में बाइबल का इस्तेमाल ठेस पहुंचाने वाला है। करीना कपूर ने 9 अगस्त 2021 को प्रेगनेंसी पर लिखी यह किताब लॉन्च की थी। उन्होंने इस किताब को अपना तीसरा बच्चा कहा था। किताब की लॉन्चिंग पर उन्होंने ऑनलाइन करण जौहर से चर्चा की और प्रेगनेंसी के दौरान जीवन में आए उतार चढ़ावों पर भी बात की। करीना ने यह भी बताया कि पहली प्रेगनेंसी के मुकाबले दूसरी प्रेगनेंसी उनके लिए कठिन रही। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।